सो व्हाट्सअप गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आपका भाई एक चीज बोलना चाहता है और एक चीज दिखाना चाहता है। बहुत सारे भाई लोग क्या करता है, सीवी एडिटिंग जब बैकग्राउंड आप लोग बनाते तो बट आप लोगों को क्या होता है, पीसी की तरह आप लोग फेस को स्मूथ नहीं कर पाते और बैकग्राउंड को नहीं बना पाते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग को टेंशन लेने बात नहीं, जिस भाई को आप लोग को सीवी फोटो एडिटिंग सीखना है तो ओनली वही सीवी फोटो एडिटिंग सीखना है तो ओनली वही वीडियो वॉच करेगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग वीडियो तुरंत ही आप लोग धीरे धीरे आप लोग को छोड़ के चले जाओ, ठीक है। तो ये हमारा ओजे पिक देख सकते, इसी फोटो की तरह खतरनाक तरीके से आपका भाई ओनली फोन से एडिट करके दिखाएंगे, आप लोग कभी जिंदगी में यार सोच नहीं सकते हो। तो देख सकते हो कितना काफी अच्छे तरीके से हमारा फोटो सीवी फोटो एडिटिंग हुआ, तभी तक ऐसा कोई भी आप लोग को वीडियो दिखाया नहीं गा और बना के दिखाया नहीं, ठीक है। जिस भाई को आप लोग को सीवी फोटो एडिटिंग सीखना वही वीडियो वॉच करेंगे, नहीं तो आप लोग वीडियो को अभी से स्किप करके चले जाइए, कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग, ठीक है। आप लोग बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट देख रहे हैं तो ओनली आप लोग क्या होता है ना, पीसी में आप लोग को होता है, ठीक है, ओनली पीसी में। लेकिन आज आपका भाई आप लोग को दिमाग लगा, खुद आपका भाई फोन से ही कुछ इस टाइप का आप लोग को फोटो रहेगा तो इस टाइप का आप लोग पीसी की तरह एडिट कर सकते हो काफी अच्छे तरीके से। आप लोग देख सकते हो हमारा फोटो एडिट हुआ, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग एडिट करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट है पूरा एंड तक वीडियो में बन लेते ना, आपका भाई 110% गारंटी के साथ बोला है, 200% बोला, ठीक है। आप लोग को कुछ इस टाइप का फुल HD क्वालिटी में आप लोग फोटो को एडिट करना सीख जाएंगे। ऐसा आपका भाई सेम ऐसा फोटो एडिट करके नहीं दिखाया तो आप लोग क्या करना ना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके तुरंत ही आप लोग को चले जाना, सेम ऐसा फोटो एडिट करके नहीं दिखाए तो। और गाइस देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है, तो आपका भाई सारा कुछ इसी फोटो को एडिट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को जो भी पिक को एडिट करने रहेगा तो आप लोग को पिक को ले लेना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इसी फोटो को एडिट करेंगे ना, तो हम क्या करें, इसी फोटो को आप लोग को लेके एडिट करना चाहते हैं तो इस फोटो का भी आप लोग को दे देंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जब पिक को आप लोग चाहते हो सेम ऐसा एडिट करके आप लोग इंस्टाग्राम पे आप लोग हमारा फोटो को पोस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग और जब पिक को लाइटरूम ऐप में गाइस आप लोग को शेयर कर लेंगे, तो लाइटरूम ऐप में गाइस शेयर करने कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को ये वाला गाइस आप लोग को प्रीसेट को ले लेना है। ये वाला गाइस प्रीसेट को लेके आप लोग को क्या करना, सबसे पहले इधर देखिए 3 डॉट आप लोग को दिख रहा है ना, तो आप लोग को क्या करना, 3 डॉट पर टैप करके यहाँ पे कॉपी सेटिंग करके आप लोग को क्या करना, इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में 3 डॉट फिर दिख रहा है, इधर कॉपी पेस्ट करके लिखा है, तो हम क्या करेंगे एक ही क्लिक में कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा फोटो बहुत ही कमाल तरीके से एडिट हो जाएगा। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से हमारा फोटो एक ही क्लिक में एडिट हो चुका, तो इतना प्रोसेस हो जाने में सबसे पहले आप लोग को कुछ नहीं करना, ध्यान से वीडियो देखना है। तो आप लोग को क्या करना ना, यहाँ पर देखिए सेबल आइकन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे सेबल आइकन पर टाइप करके अपना फोटो को सेव कर लेंगे। थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है, थोड़ा आप लोग का फोन लोड लेगा, लोडिंग लेने के बाद गाइस आप लोग सबसे पहले आप लोग को गाइस आप लोग को क्या करना, अपना फोटो को गैलरी गाइस से लेना है। तो गैलरी गाइस से लेने वाले गाइस सबसे पहले आप लोग को ध्यान से देखिए इसी फोटो को हम लोग क्या करेंगे, स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ करने के बाद आप लोग को सबसे पहले ऑटोडॉक स्केच बुक ऐप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना है। ऑटोडॉक स्केच बुक ऐप में गाइस शेयर कर लें, कुछ आप लोग का इंटरफेस ऐसा खुलेगा। तो सबसे पहले इसी फेस को आप लोग को स्मूथ करने के लिए एक अच्छा और बेस्ट ब्रश लेना पड़ेगा, जो भी आप लोग को ब्रश अच्छा लगेगा वो ब्रश को ले लेना है। तो फाइनली गाइस हम क्या करते हैं, इसी फोटो को स्मूथ करेंगे। इसी फोटो गाइस स्मूथ करने बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग को ब्रश को ले लेते, तो क्या करना आप लोग को ये वाला गाइस आप लोग को ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। गाइस आप लोग को ब्रश को सिलेक्ट करने बाद आप लोग को कुछ करना, इधर आप लोग को इतना करके कुछ नहीं, आप लोग इतना करके सेटिंग को रख के सबसे पहले आप लोग को क्या करना, दोनों फिंगर से अपना फोटो को जूम कर लेना है। दोनों फिंगर से गाइस अपना फोटो को जूम कर बस अपने फेस के ऊपर ऐसा करके अप्लाई करेंगे, आप लोग को फोटो काफी अच्छे तरीके से स्मूथ होगा। तो देखिए हमारा फोटो काफी अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी चाहते हो अपना फोटो को स्मूथ कर सकते हो, जैसा आपका भाई फोटो को अपना स्मूथ कर रहे तो सेम प्रोसेस करके बस आप लोग को पूरा फुल वीडियो आप लोग को बनना पड़ेगा, तभी आप लोग को इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग करने के आप लोग सीख जाओगे। जो बैकग्राउंड में आप लोग वो का इफेक्ट देख रहे हो ना, सभी लोग क्या करते हो पीसी में वो सेटिंग रहता है, ठीक है, ऑटोमेटिक उसमें वो का इफेक्ट आ जाता है, लेकिन आप लोग मोबाइल में कोई आप लोग को ऐसा सेटिंग नहीं मिलता है कि आप लोग वो का इफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप आपका वही जुगाड़ से आप लोग को क्या किया, वो का इफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से हमारा फोटो मोर के भी कर रहा था, हमारा फोटो लग भी रहा था। तो सेम प्रोसेस करके हम लोग क्या करेंगे ना अपना ऐसा करके, तो देखिए अपना फोटो को सबसे पहले स्मूथ कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा जो ट्रिक है वो ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, और आप लोग इंस्टाग्राम पे आप लोग पोस्ट करके काफ़ी अच्छा खासा लाइक आप लोग भी पा सकते हो, जैसा आपका भाई भी आप लोग को दिखाते हैं, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी कर लेना है। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हम क्या करें अपना फोटो को स्मूथ कर लें जल्दी जल्दी करके, क्योंकि इस वीडियो काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए गाइस आपका भाई क्या कर रहा है जल्दी जल्दी करके फटाक से करके अपना फेस वगैरह सारा कुछ करके स्मूथ कर ले रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को आराम आराम से फोटो को स्मूथ करना, कि गाइस इसके लिए आपका भाई पहले स्मूथ करके दिखाते हैं, कि गाइस आप लोग लास्ट में ना
जब बैकग्राउंड को ब्लर करने जाते तो आप लोगों का फोटो पूरा फट जाता है। तो ये आप लोग इसके लिए आपका भाई जल्दी फेस को स्मूथ करके दिखा दे। फाइनली गाइस हमारा फोटो का फेस को स्मूथ हो चुका। फेस गाइस स्मूथ हो जाने में गाइस आप लोगों को सबसे पहले इसी फोटो को शेयर ऑल आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो को इसी फोटो को पिकआउट में गाइस आप लोगों को ओपन कर लेना है। तो पिकआउट में गाइस ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को शेयर करेंगे तो कुछ आप लोगों को लोडिंग लेगा। आप लोगों का फोन जैसे हमारा फोन लोडिंग नहीं रहा है तो उसके बाद गाइस आप लोगों को पिकआउट को गाइस आप लोगों को ओपन कर लेना। पिकआउट को गाइस ओपन करने बाद तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इधर एडिट वाला आइकन दिखेगा तो आप लोग को क्या करना है, बैकग्राउंड में इफेक्ट डालना है, सिर्फ एडिटिंग तो एडिट वाला आइकन पे गाइस दबाना है। तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान से देखिए, इधर मार्क के दिखा रहे हैं ना, तो इस वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टैप करना है। तो इस वाला आइकन पे गाइस टैप करके उसके बाद फेदर ऑन पे गाइस आप लोग को टैप करना है। फेदर ऑन पे गाइस आप लोग को टैप कर लेते हैं तो आप लोग को कुछ ऐसा स्क्रॉल करके आप लोग इतना करके 6 करके देन तो 6-10 के नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इतना करके 6 करके हम रख लेते हैं। उसका पेंसिल आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करना है। तो पेंसिल आइकन पे गाइस टाइप करके बस अपने फेस पे से आप लोग को क्या करना ना, इफेक्ट को इरेज करना है। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से हम अपना फेस वैसा इफेक्ट को इरेज कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपना फेस वैसा इफेक्ट को इरेज कर लेना। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम अपना फेस वैसा इफेक्ट को इरेज कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी अच्छे तरीके से अपना फेस वैसा इफेक्ट को इरेज कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम अपना फेस वैसा इफेक्ट को इरेज कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को अच्छे तरीके से इरेज कर लेना है। और गाइस आप लोग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो आप लोग का फोटो अच्छे तरीके से सीवी एडिट नहीं कर पाएंगे। जो आपका भाई ट्रिक बता रहा है पूरा आप लोग वर्क करेंगे तभी आप लोग मेरे तरह आप लोग सीवी एडिटिंग का मास्टर बन जाएंगे। जैसे आपका भाई सारा कुछ आप लोग को सिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी अपना फोटो को एडिट कर लेना। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से आपका भाई सीवी फोटो एडिटिंग आप लोग को सिखाता है एक एक स्टेप, क्योंकि आप लोग भूले ना इसके लिए गाइस आपका भाई मार के आप लोग को सिखाते रहते हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को अच्छे तरीके से इफेक्ट को इरेज कर लेना अपना बॉडी पे से। तो फाइनली गाइस हम इफेक्ट को इरेज कर लिए, उसके बाद गाइस थोड़ा सा बचा इसको भी आप लोग हेयर पे से भी आप लोग इरेज कर लेना है। उसको गाइस इतना प्रोसेस हो जाएगा गाइस आप लोग को क्या करना ना, तो सबसे पहले आप लोग यहां से ध्यान से देखिए डन वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो को डन कर लेंगे। उसको गाइस आप लोग इधर देखिए बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे। तो बैकग्राउंड को आप लोग ब्लर करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है दिक्कत वो भी बताएंगे। तो आप लोग को सबसे पहले बैकग्राउंड को जब ब्लर करने जाते हैं तो अपना फोटो को क्या करना है, फोटो रूम ऐप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना है। फोटो रूम ऐप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेंगे तो कुछ आप लोग का इंटरफेस ऐसा खुलेगा। तो आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो आप लोग को देखिए तो हमारा डाटा खत्म हो चुका है, तो आप क्या करते दूसरा भी वाईफाई से नहीं तो कुछ भी करके आप काम करके आप लोग को दिखाएंगे। तो इतना प्रोसेस हो गया है, इतना प्रोसेस हो जाए तो कुछ आप लोग का इंटरफेस ऐसा खुलेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए तो आप लोग को क्या करना है, बैकग्राउंड को बस ओनली ब्लर करना है। तो बैकग्राउंड को गाइस आप लोग को ब्लर करना है तो आप लोग क्या करना ना, इस वाला आइकन पे गाइस देखिए, तो इस वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टैप करना है। इस वाला आइकन पे गाइस टैप कर लेते हैं तो आप लोग को क्या होता ना, देखिए कुछ इंटरफेस ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद गाइस दूसरे में ब्लर को 20 ही करके आप लोग को बस 20 करके रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से ब्लर आइकन में गाइस टाइप कर इधर ही से गाइस हम लोग क्या करते हैं फिर से पिकआउट टाइप को गाइस इधर ही से ओपन कर लेते हैं। पिकआउट टाइप को गाइस ओपन कर लें, उसके बाद गाइस हम लोग ऐड फोटो पाएंगे जो हमारा बैकग्राउंड ब्लर हुआ था। हम क्या करेंगे बैकग्राउंड को ब्लर कर लेंगे। तो आप लोग को देखिए तो यही गलती होता है जो हमारा स्टूल था, स्टूल कुर्सी जो भी है तो उसको था हमारा पूरा वो भी ब्लर हो गया था। इसको कैसे एडजस्ट करें आप लोग भी देखिए। तो आप लोग उसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग नीचे साइड से इसको अच्छे तरीके से बैकग्राउंड जो ब्लर हुआ था अच्छे तरीके से इरेज कर लेंगे। और कुर्सी के साइड से आप लोग को जहां जहां नहीं ब्लर करना है ऐसा करके इरेज कर लेता। इसको इरेज करके उसके बाद देखिए आप लोग को कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा। तो कुछ आप लोग का इंटरफेस ऐसा खुलने गाइस आप लोग सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा यहाँ से वेट करना है। तो थोड़ा सा गाइस आप लोग को वेट करेंगे तो देखिए आप लोग को सबसे पहले इधर देखिए पेंसिल आइकन पे गाइस टैप करके आप लोग दोनों फिंगर से अपना फोटो को जूम करके अच्छे तरीके से आप लोग को बैकग्राउंड को ब्लर अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को पता फोटो रूम तो एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए गाइस आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देंगे अच्छे तरीके से अपना गाइस देखिए अच्छे तरीके से ऐसा सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी ऐसा करके ब्लर को बैकग्राउंड को ब्लर करना पड़ेगा तभी आप लोग का फोटो मस्त दिखेगा। आप लोग कुर्सी वगैरह पोज मारे रहते तो यही प्रॉब्लम आप लोग को होता है और गाइस हमको भी बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है, इंटरफेस आप लोगों को भी करना पड़ता है। लेकिन बट आप लोग को क्यों ना सोचे ये ट्रिक जो हमारा सीक्रेट ट्रिक है ये भी आप लोग को सिखा दें। तो देखिए फाइनली गाइस हो चुका। और गाइस आप लोग नीचे की साइड में यहाँ देखिए थोड़ा ज़्यादा आप लोग को जना रहा है कि बैकग्राउंड ब्लर हुआ था। आप लोग नीचे की साइड को पेंसिल आइकन पे गाइस टैप करके इसको आप सीटों को कम करके और सेम
सेम प्रोसेस करके आप लोग को बैकग्राउंड को ब्लर कर लेंगे। तो फाइनली गाइस हमारा बैकग्राउंड तो ब्लर हो चुका, उसके बाद गाइस हमारी आ चुका कलर को चेंज कैसे करें। तो कलर को चेंज करने के लिए आप लोग को आना एडिट वाला आइकन पे, उसके कलर पे आना, इस पे गाइस आप लोग को सेलेक्ट करना जो हमारा बैकग्राउंड में आप लोग को कलर देखे थे ग्रीन कलर, तो सेम प्रोसेस करके इसको भी ग्रीन कलर करके हम लोग क्या करते रख लेते हैं। तो इतना प्रोसेस हो गया तो हम लोग क्या करते ना, देखिए बैकग्राउंड में जो वो का इफेक्ट था जो पीसेस होता तभी आपका भाई फोन से ही करके दिखाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करता है गैलरी में से गाइस आके हमारा जो एक पीएनजी है, तो हमारा पीएनजी को गाइस ये वाला पीएनजी को आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ये वाला पीएनजी को लेके आप लोग को ऐड कर लेना है। जैसे हम ऐड कर लिया उसको गाइस आप लोग अच्छे तरीके से दोनों फिंगर से जूम करके अपना फोटो बैठा के उसको सॉफ्ट लाइट करके लिखा है, तो सॉफ्ट लाइट पर हम क्या करें इस पर टाइप कर लेंगे। उसको गाइस हम क्या करेंगे तो हमारा दूसरा ही कलर हो चुका था, टेंशन नहीं लेना है। इस कलर को आप लोग चेंज करके आप लोग बैकग्राउंड कलर से मैच करना है। तो सबसे पहले इधर देखिए एडजस्ट का एक ऑप्शन खुलेगा, उसको कलर वाला आइकन भी इधर मार्क मार के दिखा रहे, तो आप लोग को इस वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप कर लेना है। उसके बाद आप लोग जो बैकग्राउंड में कलर सेम कलर को रख के उसको डन कर लेंगे। उसे पेंसिल आइकन पे गाइस इधर देखिए आप लोग को टाइप कर लेना है, इस वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप कर लेते हैं। तो इस वाला आइकन पे दबाएंगे तो हमारा जो वो का इफेक्ट तो गायब हो जाएगा। उसको गाइस आप लोग पेंसिल आइकन पे गाइस टाइप कर बस अपने बैकग्राउंड पे इसे चलाएंगे, तो जहां जहां आप लोग अपने वो को इफेक्ट डालना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस करके अपने बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट डाल सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से आपका भाई बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट डाला, कोई भी आप लोग को ऐसा ट्रिक अभी तक कोई बताया नहीं होगा, बताएगा ना तो जो बोलो तो भाई लोग ठीक है। जैसा आपका भाई जो ट्रिक आप लोग को बता दिया और आप लोग को ऐसा यार पूरा यार खोजते रह जाओगे पूरा यूट्यूब पे, लेकिन आप लोगों को कोई ऐसा ट्रिक आज तक कोई बताया नहीं होगा। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से आपका भाई ओनली आप लोग को सीवी एडिटिंग बोला था ना सीखना है तो आप लोग को मास्टर बना देगा। तो फाइनली गाइस वीडियो आप लोग पूरा देख लिए होंगे यहाँ तक तो आप लोग पूरा अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। और गाइस आप लोग को क्या सीखना है ना, अभी आपका भाई बता रहा है अपना हेयर को एडिट करें तो कैसे करें और कौन सा ब्रश सबसे बेस्ट ब्रश रहता, थोड़ा सा आप लोग दो मिनट और वेट कर लें तो आप लोग वो भी सीख जाएंगे अपना हेयर को कैसे अच्छे तरीके से सीवी एडिटिंग में हेयर को अच्छे तरीके से एडिट करें। हम सेम प्रोसेस करके जो जो आप लोग को ट्रिक रहता तो सारा कुछ आपका भाई बता देता और आपको लोग भाई बताता भी है। तो फाइनली गाइस अपना बैकग्राउंड वो का इफेक्ट डाल चुका और गाइस यहाँ पे एक ग्रास लगाना है जो ग्रास का पीएनजी है, तो हम ग्रास का पीएनजी को लेके ऐड फोटो पे आके हम क्या करें ग्रास का पीएनजी सारा कुछ का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ग्रॉस का पीएनजी को लगा के इसको थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है ना, थोड़ा सा आप लोग वेराइसिनेट को कलर को बढ़ा लेना है और गाइस हमारा फोटो में देखिए सेम वही लुक आ चुका है। तो इतना प्रोसेस हो जाने में गाइस हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो हमारा बैकग्राउंड हो गया सारा कुछ जो ऐसा आपका भाई दिखाया तो सेम प्रोसेस करके दिखा चुका और यहाँ पे एक लाइट को लगाएंगे, तो लाइट को थोड़ा सा ऐड फोटो जाएंगे, थोड़ा सा आप लोग को वेट कर लेना है। तो वेट करके सॉरी गाइस यहाँ से गाइस इसको सॉफ्ट करके यहाँ पे गाइस आप लोग को क्या करना, जो बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है इसको भी आप लोग को कलर वाला आइकन पे आकर आप लोग को इसको भी ग्रीन करके रख लेना है। इतना प्रोसेस हो जाने बाद आप लोग दोनों फिंगर से जूम करके उसको ऐड फोटो पाके जो भी पीएनजी का लिंक आप लोग को सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी यूज कर लेना है। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से यूज कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, अभी बारी आ चुका जो आपका भाई बोला था हेयर को अच्छे तरीके से एडिट करने के लिए, तो हेयर को एडिट करने के लिए दिस गाइस आप लोग को क्या करना है, तो शेयर वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो को ऑटोडॉक स्केच बुक ऐप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना है। ऑटोडॉक स्केच बुक ऐप में गाइस शेयर करेंगे तो एक बार में नहीं हो रहा तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, आई एम रियली सॉरी भाई। एक बार और इधर से शेयर वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो को फिर से ऑटोडॉक स्केच बुक ऐप में गाइस शेयर कर लेंगे। उसको दोनों फिंगर से जूम करके आप लोग को सबसे पहले आप लोग को हेयर को अच्छे तरीके से एडिट करने के लिए एक ब्रश को जरूरत पड़ेगा, तो आप लोग को क्या करना ना यहाँ से गाइस आप लोग को नीचे की साइड में स्क्रॉल करके आएंगे तो वाला गाइस आप लोग को ब्रश को ले लेना है और गाइस ये वाला ब्रश को लेके और कुछ आप लोग को इतना करके सेटिंग को करके रख लेना है। तो देखिए इतना करके सेटिंग को रख के अपना ब्रश का साइज को आप लोग इसको देखिए आप लोग इतना सेटिंग ना थोड़ा सा आप लोग को बीच वाले को बढ़ा के आप लोग को 30-40 करके रख लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ से ब्लैक कलर को चूज कर लेना, ब्लैक कलर को चूज करके आप लोग को अपना ब्रश का साइज अपने फोटो के हिसाब से आप लोग करके अपना साइज के हिसाब से देखिए तो काफी अच्छे तरीके हमारा हेयर एडिट हो रहा है। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी चाहते हो अपना हेयर को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से आपका भाई हेयर को एडिट करके दिखाया, तभी जो देखिए एडिट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट देखिए काफी अच्छे तरीके से हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम अपना हेयर को एडिट कर रहे हैं, लास्ट में जो रिजल्ट आप लोग को देखेंगे तो आप लोग अचंभो खा जाओगे भाई हमारा हेयर कैसे इतना अच्छे तरीके से एडिट करने के लिए अभी तक कोई बता नहीं गया, आप एक के भाई हमको बता दिए। तो आप लोग को थैंक यू सो मच भाई आप लोग पूरा फुल वीडियो वॉच करने के लिए।
और इस टाइप का जो जो हमारा सीक्रेट ट्रिक है आपको सारा कुछ आपका भी बता चुका। और गाइस आपको देख सकते हो जैसा आपका भाई थंबनेल में दिखाया तो सारा कुछ ऐसा सेम फोटो एडिट करके दिखा चुका। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए गाइस एक लाइक एक कमेंट जरूर बनता है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे ना, तब तक के लिए गाइस मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना मेरे भाई लोग।